गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो फिज़िक्स का हमारा लेक्चर जहाँ छूटा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। मतलब छूटा, मैंने आपको जनरल सी इंट्रोडक्शन दी थी इसके बारे में, यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फिज़िक्स में जाने से पहले हल्की फल्की जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका एच सी वर्मा का भी और एन सी आर टी का भी, वो आपको आना चाहिए। सो लेक्चर वन इज़ इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। तो इसमें हम क्या हुआ, जब सबसे पहले हम फिज़िक्स या कोई भी मैथमेटिक्स पढ़ने लगे तो हमें पता चला कि यार हमें कोई चीज़ तो चाहिए जिससे हम कंपेयर कर पाएँ। यानी मैंने एक चीज़ को देखा, मान लो मैंने गोट को देखा, ठीक है, जैसे मैंने गोट को देखा उसके बाद मैंने हाथी को देखा, तो हमें किसी बंदे ने ऐसा कहा कि यार हाथी जो है वो गोट से 5 गुना बड़ा है, ठीक है, बट गोट भी कुछ किसी चीज़ से कुछ टाइम बड़ी होगी। तो हमने बोला हमें ना हर एक क्वांटिटी की यूनिट बतानी पड़ेगी, यानी यूनिट चीज़ हमें चाहिए हर एक क्वांटिटी की, वेदर इट इज़ हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं या हम किसी भी चीज़ को लाइक लेंथ वगैरह जो भी थी, ठीक है। वैसे ही हमने सोचा कि अगर एक छोटा सा यूनिट लेंथ लेंगे, दूसरा कुछ जो एक और हमने ऑब्जेक्ट लिया उसमें अगर वो ट्वाइस है तो हमने उससे कंपेयर किया, तो वहाँ पे एक यूनिट लेंथ का कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब हमें एक रेफरेंस जो पॉइंट चाहिए वो सेम चाहिए सबके लिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया में अलग हो, वर्ल्ड में अलग हो, या वर्ल्ड की किसी और कंट्री में अलग हो। इंटरनेशनली जो हमारा ऐसा ही सिस्टम बना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये यूनिट्स कौन बनाएगा, फिर ये बात है कि ये यूनिट्स कौन बनाएगा, तो जिसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि इंडिया वाले बोले कि हम आपका यूनिट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे एक CGPM कमेटी थी इंटरनेशनली, उन्होंने क्या किया 1971 में ऐसे यूनिट्स बनाए कि हम हर एक क्वांटिटी का, जो भी हमारी क्वांटिटीज़ होंगी जो फिज़िक्स में यूज़ होंगी, उसका हम क्या बना देंगे, यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये यूनिट्स बन गए, यूनिट्स बनते ही हमने फिज़िक्स में फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ का कॉन्सेप्ट लिया है। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी मीन्स ये 7 ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इसके बाद जो भी क्वांटिटीज़ आएंगी वो इसी को यूज़ करके बनी होंगी। तो आपको ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़ पता होनी चाहिए कि ये क्या होती हैं, ठीक है। पहली होगी लेंथ, ठीक है, फिर हो गया मास, फिर हो गया टाइम, फिर हो गया इलेक्ट्रिक करंट, फिर हो गया थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, फिर हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर हो गया लुमिनस इंटेंसिटी। ये होगी क्वांटिटी, क्वांटिटी के साथ इसका यूनिट भी लगेगा, ठीक है। तो यूनिट क्या हो गया इसका, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडल एंड सिंबल, सिंबल भी होगा एक। मतलब पूरा यूनिट तो लिखेंगे नहीं, इतना टाइम किसके पास होगा कि किलोग्राम लिखेगा, तो उसके लिए ये यूनिट्स बना दिए इन्होंने। लाइक लेंथ के लिए मीटर हो गया, मास के लिए किलोग्राम हो गया, टाइम के लिए सेकेंड हो गया, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर हो गया, और थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर के लिए केल्विन हो गया, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडल हो गया। नाउ बिसाइड द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और यूनिट्स, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर डिफाइंड, दे आर फॉर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। द यूनिट फॉर प्लेन एंगल इज रेडियन एंड सॉलिड एंगल इज टी रेडियन। मतलब आपने ये 7 तो याद ही रखनी है ना, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी, ये 7 तो आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा 2 फंडामेंटल क्वांटिटी जो एडिशनल डाली है वो कौन सी है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी यहाँ का जो मास है ना वो टाइम से अभी इस टाइम पे रिलेटेड नहीं है कोई भी। मास एक अलग चीज़ है, टाइम एक अलग चीज़ है, लेंथ एक अलग चीज़ है, वो सारी आपस में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। That is called fundamental quantities. All other quantities may be expressed in terms of fundamental quantities. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो ये जैसे गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी अगर चल रही है तो ये गाड़ी चल के, गाड़ी ने कुछ भी डिस्टेंस कवर किया, हमने इसको मान लिया x डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कवर किया यानी कोई लेंथ कवर की, तो हमने इसको बोल दिया कि हाँ ठीक है ये लेंथ आ गया। ऊपर क्या आ गया हमारे पास, जो फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई, लेंथ आ गई। अब जो डिस्टेंस कवर किया वो कितने टाइम में किया, तो हमने जब उसको पर यूनिट टाइम ले लिया, यानी दिस लेंथ पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पर यूनिट वेलोसिटी, यानी अगर हमारे पास ये जो डिस्टेंस है वो पर यूनिट है, मतलब हमें बेसिक यूनिट करेंगे, टाइम पर यूनिट है तो वेलोसिटी भी पर यूनिट हो जाएगी। मतलब अगर 1 किलोमीटर ये चली है और 1 सेकेंड, टाइम का फंडामेंटल क्या था, सेकेंड, हाँ 1 किलोमीटर चली है, पर ऐसे ही सिस्टम में हम पढ़ेंगे किलोमीटर पर आर क्या होता है,
फिर मीटर पर सेकंड क्या होता है, ठीक है, जैसे कन्वर्ट करना होगा। मान लो 1 किलोमीटर चली है पर आवर में, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब किलोमीटर पर आवर किस सिस्टम में है, फिर अलग अलग सिस्टम बने, एसआई सिस्टम है ना, सीजीएस सिस्टम, की मीटर पर सेकंड क्या होता है, ठीक है। मतलब यूनिट यूनिट वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको समझ आएगी जी। अब उसके बाद क्या हुआ, लाइक मैं आपको बोल रहा हूँ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है। मान लो फोर्स जो है, जो हम फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स क्या एक डिराइव क्वांटिटी है। अब वो किस किस से बनी है, हम बोलते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है जो हम आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में, मास इंटू एक्सेलरेशन। आपने 8th 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी बाय टाइम। तो मास इज मास मल्टीप्लाई बाय लेंथ बाय टाइम बाय टाइम। तो जब ऐसे आ जाए ना, लेंथ बाय टाइम, नीचे कुछ नहीं मतलब वन, तो ये फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई होता है और सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो लेंथ इनटू वन हो गया डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू वन डिवाइडेड बाय टी इनटू टी, यानी हो गया लेंथ डिवाइडेड बाय टी टू, और टी टू नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जब इसको ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, एल टी माइनस टू, ठीक है। तो मास आ गया एम, लेंथ आ गया एल, और टाइम आ गया माइनस टू, ठीक है, ये इसकी पावर्स आ गई। तो आर कन्वीनियंस के लिए हमने क्या बोला कि जो मास है लेंथ है इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा, तो हमने जो डायमेंशनल फार्मूला बनाया ना, जो डायमेंशनल फार्मूला हम आगे पढ़ेंगे कि हर एक क्वांटिटी का एक डायमेंशनल फार्मूला होता है, तो उसमें हमने मास को एम मान लिया, लेंथ को एल मान लिया, और टी को कैपिटल टी मान लिया, ये कैपिटल में है सारे। तो हमें बोला कि आपने, जैसे क्वेश्चन आएगा कि आपने फोर्स का, मतलब फोर्स है आपको फॉर्मूला पीछे मैंने बता दिया, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन से इतनी पावर होती है, ठीक है। अब हमें बोला फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने निकालना है, तो आप कैसे निकाल लेंगे, मास हो गया एम, लेंथ होगी एल, और टाइम टी, तो इसका फॉर्मूला बन गया फोर्स का एम एल टी माइनस टू, दिस इज द बेसिक, ठीक है। अब फोर्स का तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया ये एम एल टी माइनस टू, तो ये कैलकुलेट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इक्वेशन। अब देखो, अब हमें इसका फार्मूला निकालना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, आपको एक इक्वेशन दी होगी उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो आपको पता है कि एनर्जी है, एनर्जी का हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है कि वो किस तरह बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हाफ जो होता है ना, जैसे ये जो क्वांटिटी होती कॉन्स्टेंट, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, मैं आपको आगे बताऊंगा किस किस के डायमेंशनल, मतलब ये मास है, मैंने मास बेसिक क्वांटिटी बताई थी फंडामेंटल क्वांटिटी, पर कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। तो इस ये और इसकी क्या दिक्कत आएगी कि हाफ की, मैं आपको आगे बताऊंगा। एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम हो गया मास, वी क्या आपको बताया वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी एक्स बाई टी होती है, ठीक है, एक्स बाई टी होती है, तो एक्स बाई टी अगर होती है तो यानी ये हो गया एल, एल वेलोसिटी होगी लेंथ बाय टी, ठीक है, और ये हो गया आपका हाफ एम वी स्क्वायर हो गया ना, एल एल बाई टी ऊपर क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर, वी इज एक्स बाई टी, ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, मतलब मैंने आपको क्या समझाया था, ऊपर एम है ये एल टू हो गया, नीचे टी टू हो गया, जब ये टू ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, तो ये आ गया आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, ये आ गया आपके पास डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी। अब देखो मैं आपको दिक्कत बताता हूँ क्या है, आपके पास दो इक्वेशन है, ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, दूसरी इक्वेशन आपके पास है ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ठीक है, आप इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालो और आप इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालो, दोनों का जो डायमेंशनल फार्मूला निकलेगा वो यही निकलेगा, क्या कॉमन डायमेंशनल फार्मूला होगा दोनों का, इसका भी होगा एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है, और इसका भी होगा एम एल टू टी माइनस टू। तो क्या ये जो इक्वेशन नंबर वन है और ये इक्वेशन नंबर टू है, क्या वो सेम है, नहीं है। इट मीन्स डैट अगर कोई दो इक्वेशन ऐसी हैं जिनका, इफ देयर आर टू इक्वेशन ऐसी जिसका डायमेंशनल फार्मूला जो है वो सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो इक्वेशंस भी सेम होंगी, ठीक है, लेकिन
लेकिन देखो इसमें अगर कि कोई इक्वेशन है ना, अब इसमें मैंने क्या समझाया, ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर अलग इक्वेशन है, ई इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अलग इक्वेशन है, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आ गए, ठीक है। तो क्या ये इक्वेशन सेम है? नहीं है ना सेम, ठीक है, क्योंकि इसमें हाफ का कांस्टेंट का पता नहीं चलता है। तो आपने यही याद रखना है फिलहाल के लिए, तो अगर कोई दो इक्वेशन डिफरेंट हो है ना, बट फिर भी उसके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम इसको और डिटेल में जाएंगे, है ना, कि क्वांटिटी से डायमेंशनल सिस्टम्स को, यूनिट्स को कैसे रीअरेंज करना है। बहुत बेसिक चैप्टर है, इससे बहुत बार कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे, है ना, कि इक्वेशन दी होगी आपको, कई बार एडवांस में भी आ जाते हैं, मेंस में भी आ जाते हैं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन आते हैं कि इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल लो, फोर्स का निकाल लो, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का निकाल लो। तो आपको ये जो बेसिक पता होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, आइडियली जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं इन सबको यूज़ करके ही आपने डायमेंशनल फार्मूले बनाने हैं, चाहे लेंथ है, मास है, टाइम है, ठीक है, ये बेसिक क्वांटिटी होंगी। उसके बाद इनको मैंने आपको बता दिया, जैसे लेंथ है तो उसको लाइक ये है लेंथ है तो उसको हमने क्या बोल दिया है ना, एल बोल दिया, ठीक है, किलोग्राम मास है तो एम बोल दिया, टाइम है तो टी बोल दिया, करंट है तो ए बोल दिया, है ना, केल्विन है तो उसको के बोल दिया, इसी तरह मोल कैंडला। बट हम जनरली हमारे जो यूज़ होते हैं ये एम एल टी वाले ज़्यादा यूज़ होते हैं, कई बार हमारे पास एम्पेयर भी आ जाता है और केल्विन भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।